This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में वैसे तो बीजेपी को ज्यादातर जगहों पर सफलता मिली है, लेकिन गोधरा नगर पालिका के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। भाजपा को पंचमहल जिले की गोधरा नगर पालिका में बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बुधवार को गोधरा नगर पालिका में भाजपा के हाथों से सत्ता छीन ली। गोधरा वही जगह है जहां 2002 में ट्रेन में आग लगने से 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। 27 फरवरी 2002 की सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसके कोच से आग की लपटें उठने लगी थी। धुएं का गुबार निकलने लगा था। साबरमती ट्रेन के S6 कोच के अंदर भीषण आग लगी थी। कोच में मौजूद यात्री इसकी चपेट में आ गए। इनमें ज्यादातर वो कार सेवक थे जो राम मंदिर आंदोलन के तहत अयोध्या में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। आग से झुलस कर 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। घटना के बाद शाम को ही मोदी ने बैठक बुलाई। बैठक को लेकर तमाम सवाल उठे। आरोप लगे कि बैठक में क्रिया की प्रतिक्रिया होने की बात कही गई। इसके बाद गोधरा ट्रेन की इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया। गोधरा की 44 नगर पालिका सीटों में से AIMIM ने 8 नगर सेवक सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटें जीत ली थी। इस नगर पालिका में भाजपा के 19 पार्षदों को जीत मिली है। कम सीटें होने के बावजूद AIMIM गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज हो गई। इसके पीछे निर्दलीय नगर सेवकों का बड़ा हाथ है। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए यहां 23 नगर सेवकों के समर्थन की जरूरत होती है। गोधरा में 17 निर्दलियों ने AIMIM को समर्थन दे दिया। इस तरह जरूरी आंकड़ों को ओवैसी की पार्टी और निर्दलियों ने मिलकर पूरा कर लिया। निर्दलीय नगर सेवक संजय सोनी को पालिका अध्यक्ष और अक्रम पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी को समर्थन देने वालों में सिर्फ मुसलमान नगर सेवक ही शामिल हैं। सपोर्ट का ऐलान करने वाले 17 निर्दलीय नगर सेवकों में से 5 हिंदू हैं। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार गुजरात की राजनीति में स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए कदम रखे हैं। पहली बार के हिसाब से इसे काफी मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। मुडासा सिविक बॉडी सीट पर भी ओवैसी की पार्टी के 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज होने के बाद AIMIM के गुजरात अध्यक्ष शबीर काबलीवाला ने कहा, ये एक ऐतिहासिक दिन है। हमने निर्दलियों के साथ मिलकर सत्ता हासिल की है। गोधरा के लोगों का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय निकाय के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के प्रदर्शन ने लोगों को चौंकाया है। दोनों को ही इलेक्शन से पहले गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। जिस AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी बताया जा रहा था, उसने ही गोधरा और मुडासा नगर पालिकाओं पर अच्छा प्रदर्शन कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सूरत की नगर पालिका में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी है। गुजरात में नगर पालिका चुनाव के लिए 28 फरवरी को मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम 2 मार्च को आए थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।